मध्य प्रदेश के भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का एक बयान सामने आया है, जिसको लेकर विश्वास सारंग ने कहा है कि ऐसे समय में जब देश कोरोना की दूसरी लहर से गुजर रहा है और तीसरी लहर के आने की संभावना है, ऐसे में हड़ताल करना सही नहीं है। जूनियर डॉक्टर की 4 मांगे तो मान ली गई हैं और स्टाइपेंड बढ़ाने की जो प्रोसेस है बताया जा रहा है कि वो भी जारी है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स अपनी जिद पर अड़े हैं, ये गलत है। इससे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ये भी जानकारी दी है कि सीएम बाल कल्याण योजना की शुरुआत की गई है और अनाथ बच्चों के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है। इतना ही नहीं, सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर स्लोगन चेंज करने को लेकर कहा कि कमलनाथ ने बस देश को बदनाम किया है, जनता सब जानती है। पहले कमलनाथ ये कह रहे थे कि पेन ड्राइव उनके पास है, लेकिन बाद में अपनी बात से वो मुकर गए। कांग्रेस को राजनीति के अलावा और कुछ नहीं आता है, ये आरोप लगाया है विश्वास सारंग ने। समय हड़ताल पर जाना या हड़ताल के बारे में सूचना देना निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। जिस समय पीड़ित मानवता को पूरे समाज की जरूरत हो, उस समय यदि कोई वर्ग हड़ताल पर जाने की बात कर रहा है तो ये सर्वथा अनुचित है। जहां तक जूडा की मांगों के बारे में उनका ज्ञापन की 4 मांगे सीधे सीधे स्वीकार की गई, उसको उनका स्टाइपेंड भी बढ़ाया जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने उनके निवास पर पहुंचे और लगभग 1 घंटे दोनों नेताओं की बंद कमरे में बातचीत हुई। चर्चा के बाद मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण होने पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, सरकार और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मिलकर कोरोना संकट काल में बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में ममता बनर्जी की गैरहाजिरी पर कहा कि कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसे संविधान में दी व्यवस्था को मानना चाहिए। दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वे समझती हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बढ़ती सक्रियता को लेकर वो मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद आए हैं। कमलनाथ के पेन ड्राइव मामले पर भी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ से पूछिए उनके पास पेन ड्राइव है या फिर नहीं। और मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयार है, जिसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि तीसरी लहर को लेकर सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है, जिसे कोरोना संक्रमण ना फैले और इस तीसरी वेव में कोई भी नुकसान ना हो। इसी के साथ नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ की वापसी को लेकर कहा कि उनका आना जाना लगा रहता है। कमलनाथ ने जनता से जो भी वादे किए उन्हें आज तक पूरा नहीं किया है, फिर चाहे बेरोजगार युवाओं को रोजगार भत्ता देना हो या फिर किसानों के कर्जे माफ। साथ ही साथ किसी भी एक वादे पर कमलनाथ सरकार खरी नहीं उतरी थी, लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा ने आप पूर्व मुख्यमंत्री पर सीधे सीधे निशाना साधा, कहा कि जो वादे सरकार में जब वो थे जनता से किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं था। सुने क्या कहा नरोत्तम मिश्रा ने। चैतन्य है तीसरी लहर को लेकर के पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की सरकार ने की हुई है और इसी के लिए किसी को चिंता डरने या अज्ञात आशंका में आने की आवश्यकता मैं नहीं मानता कि है। हमारी तैयारी बिल्कुल युद्ध स्तर की है। और कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश जारी किए। इसी को ध्यान में रखते हुए सतना जिले के मैहर सिविल अस्पताल में 25 बेड तैयार किए गए हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर बच्चों के अलग से वार्ड बनाया गया है, जिसमें चिकित्सीय उपकरण के साथ साथ बच्चों को ज्ञानवर्धक बातें और साथ ही साथ आप जो खिलौने हैं वो वहाँ पर रखे गए हैं, यानी कि पूरा वातावरण घर जैसा बच्चों को मिले। मैहर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने इस वार्ड का फीता काटकर इसका शुभारंभ किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को अपने प्रकोप में ले लेगी, इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश में युद्ध स्तर पर लगातार काम किया जा रहा है।
खबर भोपाल से है। भोपाल के कोलार के पास एक बिल्डिंग ने लोगों को क्रॉसमॉस सिटी के नाम से कई सपने दिखा दिए। लगातार अब ये बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए उस बिल्डिंग की है, जिसे लेकर लोगों ने बताया कि जो बिल्डर है उसने अत्याधुनिक फ्लैट और टूप्लेस और सभी सुविधायुक्त सोसाइटी देने का लोगों से वादा किया था, जिस पर लोगों ने बुकिंग भी की, लेकिन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही अवैध बिल्डरों, अवैध काम करने वालों को गाड़ने की बात करते हैं, लेकिन राजधानी भोपाल के ग्राम पंचायत बोरधा, जो कि बिल्कुल भोपाल से लगा हुआ है, वहाँ का एक ऐसा मामला सामने आया है। यहाँ पर एक बिल्डर ने काफ़ी लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। काफ़ी लोग उस बिल्डर से परेशान हैं। सर्विस बिल्डर एंड डेवलपर्स के ऑफिस पर हम खड़े हुए हैं और काफ़ी सारे लोग कॉलोनी के यहाँ पर आए हुए हैं, शिकायत लेके आए थे, लेकिन बिल्डर के यहाँ ताला डला हुआ है। इसके अलावा भी कई जगह कॉलोनी के जो लोग हैं शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई उनको भरोसा नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? श्रीमती विद्या सोंधिया। क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है कि 2017 से मेरा मकान मैंने इनसे लिया, एग्रीमेंट वगैरह सब हुआ, उसके बाद 36.5 लाख हमने दे दिया, उनसे खरीदा, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारी रजिस्ट्री नहीं की है। और एक साल बाद हमको पता चला कि वो प्लॉट किसी दूसरे के नाम पे है। मकान इनने बनाया है लेकिन प्लॉट किसी दूसरे के नाम पे है। अब जो जिसका प्लॉट है वो धमकी देता है हमको कि जल्दी खाली करिए, नहीं तो हम बुलडोजर चलवा देंगे। अब ये बोलते आज कर देंगे, कल कर देंगे, आज का अभी तक हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई है। हमने पूरा रिटायरमेंट का पैसा इसमें लगा दिया है। हम लोग पेंशन वाले लोग हैं, पेंशन से हमारा घर चल रहा है, लेकिन अभी इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। बिजली और पानी दोनों का ही अभाव है। इसके अलावा एक मामला और ऐसा सामने आया जिसमें बैंक के पास किसी और को, उस फ्लैट को किसी और के पास गिरवी रख दिया गया, क्या मामला है? मेरा जो इशू है वो ये है कि अपना मेरा बाय में कर चुका हूँ सेम यूनिट, अभी कुछ समय पहले मैंने देखा था, तो वो भी अभी पोजीशन पे तो हुआ नहीं है। उस सेम यूनिट पे उन्होंने किसी और का नाम का, मतलब किसी और से भी ऑलरेडी वो फाइनेंस करा चुके हैं, मतलब सेम यूनिट के वो दो लोगों से वो फाइनेंस करा चुके हैं। मेरे भी नाम पे रजिस्ट्री है उसकी, और किसी और बंदे से भी वो ऑलरेडी फाइनेंस है। अभी उसका क्या जा रहा है कि मैं उसका प्री ईएमआई भी भर रहा हूँ और मैं यहीं पर दूसरी जगह रेंट पर भी दे रहा हूँ, तो मेरा रेंट का एक्सपेंस अलग बढ़ रहा है, प्री ईएमआई का मेरा अलग जा रहा है, और सिक्योरिटी और पानी का आपको पता ही, अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस टाइम पे इंसान अब बिजली भी नहीं रहेगी, पानी भी नहीं रहेगा, तो फिर क्या करें? या तो इंसान बाहर जाना शुरू कर दें मजबूरन। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये मामला एक व्यक्ति का नहीं है, कम से कम 100 से 150 लोग इस कॉलोनी में रहते हैं और सभी के सभी परेशान हैं। कैमरामैन अंकित के साथ नीरज श्रीवास्तव, जनता टीवी भोपाल। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।